दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे दानिश का बाबा फिज़ा को वापस जाने से रोक देता है और दानिश से कहता है कि कितने खुदगर्ज इंसान हो तुम, अपना मकसद पूरा हुआ और इसे वापस जाने का कह दिया, फिज़ा कहीं नहीं जाएगी। ये बात सुनकर दानिश गुस्से से वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ आयज़ा यूनिवर्सिटी जाने का फ़ैसला कर लेती है। और जब आयज़ा यूनिवर्सिटी जाती है तो साद आयज़ा को देखकर हैरान हो जाता है और वो आयज़ा से बात करने की कोशिश करता है। आयज़ा साद से कोई बात नहीं करती, लेकिन आप देखेंगे कि साद आयज़ा का पीछा नहीं छोड़ेगा, जबकि आयज़ा अपने बाबा से ये वादा कर चुकी है कि इस बार वो आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेगी। तो दोस्तों, ये सब कुछ देखेंगे आप आने।